Hello students, this is Sandeep Kumar, PGT Commerce. Today in class 12, subject accountancy and the chapter is change in profit sharing ratio. We are going to discuss the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities. इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी assets और liabilities हमारे partnership firm के पास है उसमें जो assets और liabilities है उसका कैसे हम revaluation या reassessment करेंगे. तो आइए देखते हैं revaluation account. रीजन फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन होता है मींस असेट्स और लाइबिलिटीज को हम असेट्स को रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते ही क्यों हैं. तो हम लोग रीअसेसमेंट या रिवैल्यूएशन इसीलिए करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से अब आगे आने वाले ईयर्स में ए बी सी जो आपके पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है वो चेंज होने वाला. मतलब कि पहले किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अब किसी को कम प्रॉफिट मिलेगा. क्लियर है? तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पार्टनर्स आपस में लेकर के चले जाएं, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा रिवैल्यूएशन की वजह से उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन करना होता है. तो द रीजन फॉर रिवैल्यूएशन इज द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग बाय रिवैल्यूएशन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is to be distributed among partners in old profit sharing ratio. Means कि जो भी आपका revaluation की profit और loss होता है revaluation की वजह से, क्योंकि profit sharing ratio change हो गया है, अब हमने assets का revaluation कर दिया तो उसकी वजह से जो profit या loss आया, assets का value अगर बढ़ेगा तो हमारा profit है, assets का value घटेगा तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि assets का value बढ़ना profit और assets का value घटना नुकसान. तो वो हम लोग पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो नेट इफेक्ट है वो आपका सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अब हम लोग बात करते हैं, दो सिचुएशन है. पहला सिचुएशन हम लोग ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है असेट्स और लायबिलिटीज का उसका जो इफेक्ट होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में. मतलब कि हम लोग सपोज मशीनरी का वैल्यू पहले था 50,000, अब हो गया 60,000, तो हम इस मशीनरी के नए वैल्यू 60,000 को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब एक सिचुएशन वो बनेगी. क्या है एक पहला सिचुएशन? व्हेन रिवाइज और चेंज्ड वैल्यू, मतलब कि जो भी वैल्यू चेंज होकर के आया है उसको ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है, जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवाइज्ड वैल्यू है, चेंज्ड वैल्यू है, नया वैल्यू है, उसे हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं बिजनेस में, तब क्या सिचुएशन होगा वो. और दूसरा सिचुएशन है जब वो पार्टनर्स ऐसा नहीं चाहते, मींस व्हेन रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. पार्टनर्स डू नॉट वांट दैट न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, तब क्या सिचुएशन होगी वो हम लोग आगे देखेंगे. तो फिलहाल देखते हैं सिचुएशन वन, यानी कि व्हेन पार्टनर्स वांट दैट असेट्स द न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स और रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो पहला सिचुएशन में देखते हैं क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी. अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो किस तरीके से होगा वो देखिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें असेट्स को बढ़ाएंगे, असेट्स को घटाएंगे, लाइबिलिटीज को बढ़ाएंगे, लाइबिलिटीज को घटाएंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे जर्नेंट्री पास होगी वो देखिए. और चलिए असेट्स की बात करते हैं. असेट्स क्या होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है असेट्स का, या यूं कहें कि उसका गोल्डन रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से. डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस. असेट्स का जो आपका गोल्डन रूल है वो क्या है, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस. इसी पर बेस्ड हमारा सारा, हमने क्लास 11 में भी देखा था कि इसी रूल पर बेस्ड पूरी अकाउंटिंग है, पूरी अकाउंटिंग. आप किसी भी क्लास में चले जाओ 11th 12th सभी पर यही गोल्डन रूल अप्लाई होता है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन मशीनरी एंड फर्नीचर रिकॉर्डेड. मतलब कि सपोज मशीनरी और फर्नीचर या कोई भी असेट्स में अगर इंक्रीज हुआ है तो हम लोग किस प्रकार से उसे रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट द इंक्रीजेस. ठीक है, मशीनरी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है, डेबिट द इंक्रीज. फर्नीचर वो भी असेट है और वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे डेबिट करना है, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, जितने से वो इंक्रीज हो रहा है
सपोज 6000 से मशीन इंक्रीज हो रहा है, 2000 से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली डेबिट कर देंगे। फिर है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ये जो आपका असेट्स में चेंज हो रहा है, मशीन की फर्नीचर ये डेबिट करके जो चेंज हो रहा है, तो असेट्स में इंक्रीज होना यानी कि हमारे लिए फायदे की बात है, अच्छी बात है कि भाई चलो हमारे असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, इसका फायदा हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे डाल देते हैं। तो अगर ये असेट्स में फायदा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग उसको डाल देंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो नॉमिनल का रूल क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसका रूल क्या होता है, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल वो गोल्डन रूल के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी लॉसेस होंगे असेट्स या लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की वजह से, जब भी लॉस होगा, नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की वजह से फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। तो ये क्लियर है, असेट्स को डेबिट करा हमने, क्यों, क्योंकि वो असेट्स इंक्रीज कर रहा है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, ये आपका गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, तो इस मेरे सेशन में, मेरे क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं, जो भी चीज लिख रहे हैं, जो भी चीज बता रहे हैं, उसका पूरा लॉजिक के साथ पूरा उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो रट्टा मार लिया, याद कर लिया, हो गया। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, उसका रीजन समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है, हमारे पास हर चीज का, हम बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में जो भी एंट्रीज पास करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, उसका लॉजिक होता है, उसका रीजन होता है। क्लियर है, इसको याद रखने के लिए हम भले आराम से याद कर लें कि हाँ भैया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। क्लियर है, फिर आइए देखते हैं आगे में क्या है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या हो गया। अब आइए, अब हम असेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, मींस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक या जितने भी असेट्स, कोई भी अगर असेट्स का डिक्रीज हुआ है तब, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8500, टू स्टॉक अकाउंट 3000, टू बिल्डिंग अकाउंट 5500, जो भी वैल्यू है। मींस कि ये हो गया क्या कि असेट्स में डिक्रीज हो रहा है, टू स्टॉक टू बिल्डिंग, यानी कि असेट्स का वैल्यू गिर रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है, तो अब हमारे पास ये देखना है कि जो भी रिवैल्यूएशन आपका हुआ है उसमें असेट्स की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है, यानी कि हमारा लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारा वो नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है। और टू स्टॉक टू बिल्डिंग में मतलब कि वैल्यू जो असेट्स वाला रूल था, डेबिट द इंक्रीजेस क्रेडिट द डिक्रीजेस, तो क्रेडिट द डिक्रीजेस वाला लगा दिया कि स्टॉक आपका घट रहा है, बिल्डिंग घट रही है, तो उसका वैल्यू घट रहा है। क्लियर है, फिर है लाइब्रेटीज में आइए, लाइब्रेटीज को भी बढ़ाते घटाते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइब्रेटीज हैं, तो लाइब्रेटीज को अगर हमने घटाया है, यहाँ पर क्या करा हमने, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि लाइब्रेटीज अगर घटेगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। लाइब्रेटीज का रूल याद कीजिए, क्रेडिट द इंक्रीजेस, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस, डेबिट द डिक्रीजेस, तो यहाँ पे डेबिट द डिक्रीजेस होगा क्योंकि वैल्यू घट रही है। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लाइबिलिटीज आपका घट रहा है, यानी कि पैसा अगर आपको किसी को देना है, लाइबिलिटीज मतलब क्या कि हमें पैसा किसी को देना है, किसी को पे करना है, तो अगर किसी को पैसा पे करना है और वो कम पैसा पे करना है, लाइबिलिटीज आर डिक्रीज, ठीक है, लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि हमें सामने वाले को पैसा कम देना है, तो जब पैसा कम देना है तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। ठीक है, ये हमारे लिए फायदे की बात है। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, फायदा, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट द इंक्रीजेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये हो गया। फिर आइए अपने नेक्स्ट में कि जब हम लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं, तो सपोज बिल्स पेबल या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये लाइबिलिटीज हैं, तो ये लाइबिलिटीज आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इन लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब कि हमारा ये जो वैल्यू है वो आपका क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब कि लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही, यानी कि हमें पहले जितना पैसा देना था लाइबिलिटीज के रूप में, अब हमें और पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसान है।
तो नॉमिनल अकाउंट रिवेल्यूशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की वजह से। तो ये रिवेल्यूशन अकाउंट इक्वल टू बिल्स पेबल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब आगे में है अनरिकॉर्डेड असेट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ असेट्स को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करा लेकिन वो असेट है, ठीक है? तो हम अगर अब उस असेट्स को, हम असेट्स को खरीद उरीद नहीं रहे, हमारे पास पहले से था, अब हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ला रहे हैं। सपोज पहले कोई मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, हम उसे बिजनेस पर्पज के लिए नहीं यूज कर रहे थे, अब यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम ले लेते हैं क्या अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, तो हम उसे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट या व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट कर देंगे, जितने रुपए का होगा उसका वैल्यू अपना वहां पर डाल देंगे, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री है रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। सपोज कोई ऐसी लाइबिलिटीज थी जिसे हमने अभी तक बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करा था, अब रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज, सपोज सन्डरी क्रेडिटर्स था कुछ रुपए का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे कि रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्डरी क्रेडिटर्स। इस तरीके से जितना भी अमाउंट रहेगा वो डाल देंगे, 4000 है 4000 डाल देंगे। फिर अब क्या करेंगे हम कि जितने भी आपके असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवेल्यूशन आपने किया है, तो उसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। मींस जो रिवेल्यूशन अकाउंट है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। मींस कैसे होगा वो देखिए, जितने भी रिवेल्यूशन अकाउंट है, वर्किंग में मैंने दिखाया है, कैश वर्किंग में देखते हैं, रिवेल्यूशन अकाउंट जितना भी क्रेडिट है, ठीक है, उसे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में है टू रिवेल्यूशन 8000, हम लिख दिया 8000। फिर आगे देखते हैं रिवेल्यूशन क्रेडिट कहाँ है, टू रिवेल्यूशन 3500। तो ये टू रिवेल्यूशन 3500, ये 3500 यहाँ एड कर रहा है। फिर एक रिवेल्यूशन यहाँ क्रेडिट है 15000, रिवेल्यूशन अकाउंट 15000, तो ये 15000 में लिख दिया यहाँ। अब क्रेडिट का टोटल कर दिया तो आगे 26500, क्लियर है? वैसे ही डेबिट भी कर दिया रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट कहाँ है, यहाँ है 8500, हमने लिख दिया रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट में 8500। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स की रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट 10000, ये रहा रिवेल्यूशन अकाउंट 10000 हमने डेबिट में और ऐड कर दिया। फिर रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट 4000, यह लास्ट में इसको हमने ऐड कर दिया, तो रिवेल्यूशन डेबिट का टोटल हो गया 22500। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, बैलेंस करके क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो 4000 आ गया, 26500 माइनस 22500 करके 4000 आ गया आपका ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट वाला फिगर ज्यादा था। अब जब रिवेल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब रिवेल्यूशन अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का क्रेडिट ज्यादा है यानी कि वो प्रॉफिट है, तो ये जो 4000 आया है ये प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन है, क्लियर है? तो इस प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये आपको, ये जो मैंने बॉक्स में दिखाया है, ये आपको वहां पर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है, ठीक है? ये आपको आंसर बुक में, आंसर शीट में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना रफ फॉर्म में कर सकते हो, क्लियर है? तो करना कैसे होता है वो मैंने आपको समझाया है कि पूरे जर्नल एंट्रीज में, कई बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोलेगा जब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना होता है आपको। और जितना रिवेल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है वो क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, डेबिट है डेबिट का टोटल कर लीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए। तो अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है तो वो प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो आपका लॉस ऑन रिवेल्यूशन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन आएगा, उसको हम लोग देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है ना ज्यादा, रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है, तो उसे खत्म करने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करना होगा, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक है? यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है ज्यादा तो हमने डेबिट करके खत्म कर दिया। टू पार्टनर्स ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं आपके उसमें हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, टू ए बी सी, ठीक है? एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको, ठीक है? 2:1:1। और ऐसा क्यों करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो रिवेल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद आगे के इफेक्ट के लेने के लिए कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो जिन भी पार्टनर्स ने बनाया है वो पहले के रेशियो में बनाया है। सारे असेट्स जो आ रहे हैं, लायबिलिटीज जो आ रहे हैं, वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है? इसीलिए
अब आगे आने वाले इयर्स में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तो वो आगे आने वाली बात होगी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आगे जब होगा तब देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो पहले से काम कर रहे थे और उसका नेट इफेक्ट, रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट लेने के लिए हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा हिसाब किताब किए हैं। अब देखिए, कई बार आपको रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहता है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अक्सर ही आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर होता है, तो उस लेजर को आपको प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बनाइए क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि लेजर। तो वो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं आइए वो देखते हैं। तो क्या करेंगे कि जो लेजर का फॉर्मेट होता है उस तरीके से वो लेजर बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी आपका लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है, वो आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हमने जनरल एंट्रीज वगैरह पास कर रखी है, अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो जर्नल एंट्रीज पास करी हमने इसका लेजर पोस्टिंग है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कि हम जर्नल से लेजर किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं वो हमने क्लास 11 में देखा हुआ है, हम यहाँ पर भी देखेंगे उसको कि किस तरीके से होगा। तो इसका दोनों एस्पेक्ट है, एक तो जर्नल से हम दोनों करके दिखाएंगे आपको कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे हुआ, और या फिर हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा वो। तो सपोज सबसे पहला हमारा एंट्री था मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि टू रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, बाय मशीनरी अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, जितना अमाउंट है वो हम लोग इसमें डाल देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके ये हो गया कि भाई मशीनरी अकाउंट फर्नीचर अकाउंट ये आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज इन मशीनरी, तो जब भी मशीनरी और फर्नीचर इंक्रीज हो रहे हैं यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है हमारा, तो ये फायदा हमारा देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आना चाहिए, हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया बाय मशीनरी बाय फर्नीचर की। तो जब भी फायदा होगा, असेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, या यूं कहें कि असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्लियर है। और यही अगर नुकसान होगा, असेट्स का वैल्यू घटेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका डेबिट साइड में लिखाएगा जब आपका स्टॉक यानी कोई भी असेट्स घटेगा, क्या करके लिखाएगा, तो डेबिट साइड में टू करके लिखाता है, टू स्टॉक अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, स्टॉक है आपका 3000 और बिल्डिंग है 5500। फिर लाइबिलिटीज में आइए, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो नुकसान है, लाइबिलिटीज अगर घट रहा है तो फायदा है, तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 3500 से घट रहा था तो फायदा है, लाइबिलिटीज का घटना फायदा है, तो फायदा इस साइड पे लिखा है क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। हम लोग ये जो हम लोग ने जर्नल एंट्री पास करी थी उसी का हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स था कितने रुपए का, 3500 का। फिर आइए कुछ लाइबिलिटीज अगर आपकी बढ़ रही हैं तो वो नुकसान है, उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो लाइबिलिटीज का बढ़ना यानी कि नुकसान यानी कि डेबिट साइड में लिखाएगा, तो टू बिल्स पेबल और टू प्रोविजन, टू बिल्स पेबल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बिल्स पेबल है 6000 का और वो है 4000 का, ठीक है। कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज भी थी, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स आपके क्वेश्चन में रहेगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज तो हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रहेगा नहीं छोड़ देंगे उसको, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स आ गया है तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा,
बाय ऑन रिकॉर्ड एज असेट्स करके, या कोई अगर मान लो उस असेट्स का नाम दे रखा है तो हम उस असेट्स का नाम कर लिख देंगे, सपोज बाइसिकल्स ऐसे कर दिया, मोटरसाइकिल, या सिर्फ असेट्स भी लिख सकते हैं। ये है कितना 15,000। फिर है एक लास्ट एंट्री हमारी थी, वो हमने यहाँ पर ऑमिट कर दिया क्योंकि जगह नहीं था, वो था हमारे पास क्या रिकॉर्ड लाइब्रेरीज का 4,000 का, तो वो हमारे लिए नुकसान है अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरीज। ये कितने रुपए का था 4,000। क्लियर है। अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, तो ये सारी एंट्री हमने इसमें डाल दी है। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने जनरल एंट्री वाला पासवर्ड करा था तभी बताया था कि सारे क्रेडिट को आपने जोड़ देना है, सारे डेबिट को जोड़ देना है और माइनस कर देना है। तो सारा क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, सारा डेबिट का टोटल कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। और जो साइड बड़ा है वो बैलेंस कहलाएगा, मतलब अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है और वो डेबिट साइड में लिखाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट करा था हमने, ये देखिए वो हमने ओमिट कर दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा था तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, ठीक है, और उसे क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो चलिए इसका टोटल करते हैं, तो इसका हमने टोटल ऑलरेडी कर रखा था, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था 26,500 और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा था 22,500 आ रहा था, तो यानी कि 4,000 का इधर क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो है वो आएगा, ठीक है। देखिए 6, 2, 8, 8, 11, 11, 5, 16, 16, 10, 26, 26, 500, ठीक है। और इधर 22,500 आया था तो 4,000 का आपका क्या आ जाएगा टू लॉस, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और इसे हमें बांट देना अपने पार्टनर्स में। एज कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल कैपिटल लिखाएगा, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट लिखाएगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। हमने रेशियो माना था 2:1:1, ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने, हमारे पास कितना आया था वो 4,000 का आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, तब आ जाएगा ये 26,500, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितना आ रहा है 2,000, 1,000 एंड 1,000। तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और दूसरी बात की अगर एक्सपेंसेस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस कुछ भी एक्सपेंसेस हो, फायदा हो और कुछ दे रखा हो, एक्सपेंसेस हुआ इतने रुपए का, फायदा हुआ इतने रुपए का किसी भी चीज से, तो वो हम एक्सपेंसेस हुआ है लॉसेस हुआ है तो डेबिट साइड में डाल देंगे। सपोज हमने कुछ एक्सपेंसेस करा, ठीक है, खर्च कराया कुछ, तो पेमेंट कराया तो टू कैश या टू बैंक इस साइड में लिख देंगे, और अगर नहीं छोड़ देंगे, आया फायदा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट, की रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनते। अब आइए देखते हैं सिचुएशन टू। सिचुएशन वन हमारा क्या था कि when revalued assets or liabilities are to be recorded in the books of accounts, means हम partners जो हैं वो जो भी आपका revised value of assets and liabilities है उसे books of accounts में record करना चाहते हैं, यानी कि नया value changed value record करना चाहते हैं books of balance sheet में, जो changed value है नया वाला value है assets और liabilities का वो record होगा। अब situation two है कि when revised or changed values of assets and liabilities are not to be recorded, partners नहीं चाहते कि assets और liabilities का नया value, changed value जो है वो record हो, तब कैसे कैसे calculation होगा वो देखते हैं। means इसमें balance sheet में जो assets पहले था जितने रुपए का उतने ही रुपए का अभी भी दिखाई देगा revaluation के बाद भी, ठीक है, तो उसका हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो एक example के through समझते हैं इसको। PQR suppose there are three partners and their old ratio is 5:3:2 and the new ratio between among A, P, Q and R is 2:2:1. The old ratio is 5:3:2 and new ratio is 2:2:1 is there is profit change in profit sharing ratio. अब step 1 सबसे पहले क्या करेंगे हम,
कि अगर इस मेथड में मतलब इस सिचुएशन में जब पार्टनर्स नया वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मींस व्हेन रिवाइज वैल्यू और चेंज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो उस केस में कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग वर्ड यूज नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें नहीं बनाना है आपको, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है जिसमें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, हमने सिचुएशन वन में जो सारी चीजें देखी हैं थी, क्या देखा था उसमें, हमने सारी जर्नल एंट्री बनाई थी जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर बनाया था वजह से, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, क्लियर है, जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट हो रहा है तो उसका किस तरीके से हम लोग क्या नेट इफेक्ट होगा उसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, कैसे जो रिवैल्यूएशन है उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, नेट इफेक्ट का मतलब क्या होगा वो आगे देखते हैं। गेन ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स, सपोज स्टॉक, तो सपोज इन असेट्स में इंक्रीज हुआ है, असेट्स में इंक्रीज होना मतलब हमारे लिए फायदा है, तो गेन हुआ, तो गेन ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स, इसे हम लोग ऐड कर देंगे 10,000 रुपए सपोज, लेस लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स सपोज बिल्डिंग, तो आपको क्या है क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि भाई असेट साइड लायबिलिटी साइड आपको पूरा दिया हुआ रहेगा, और उसमें फिर एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा कि लैंड की बिल्डिंग, लैंड की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी डिक्रीज बाई, इज टू बी इंक्रीज बाई, ठीक है, कितने रुपए से वो करे, इंक्रीज बाई का मतलब क्या हुआ, जितने रुपए से वो कह रहा है, सपोज यहाँ पर कह रहे हैं लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स बिल्डिंग 8,000, तो इसका क्वेश्चन में आपको किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई, लॉस है ना, इज डिक्रीज बाई रुपीज 8,000, ठीक है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज बाई रुपीज 8,000, तो डिक्रीज बाई 8,000 मतलब 8,000 रुपए से उसका वैल्यू घट गया, तो ये हमारा लॉस है। असेट्स में कैसे लिखा रहेगा, मान लो इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाई इज टू बी इंक्रीज बाई रुपीज इतना 10,000, तो इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई ऐसे लिखा रहेगा, और जब लिखा रहे इंक्रीज टू, डिक्रीज टू का मतलब पहले जितना भी था ना उससे वैल्यू अब इतना हो गया है, सपोज पहले था 1,00,000 अब हो गया 1,30,000, ठीक है, तो हम डिफरेंस लेंगे उस केस में, जब दिया रहेगा क्या इंक्रीज टू और इंक्रीज बाई, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो होगा, क्लियर है। इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या, जो ऐसे दिया जाएगा कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड टू रुपीज 1,20,000, तो हम डिफरेंस लेंगे, मतलब कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू है और ये जो एडजस्टमेंट वैल्यू है उसका डिफरेंस लेंगे, क्लियर है। तो वही यहां पर देखते हैं, गेन ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स तो 10,000 से ऐड कर देंगे, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स उसे 8,000 लोग माइनस कर देंगे, ऐड गेन ड्यू टू डिक्रीज इन लायबिलिटीज, जब भी लायबिलिटीज का डिक्रीज होता है तो हमारे लिए फायदा है उसे ऐड कर देंगे, और जब लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो हमारा नुकसान है उसे माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो ये सब प्लस माइनस करके आया 6,000 नेट इफेक्ट गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन कैसे पता चला, जब क्रेडिट वाला यानी कि गेन वाला आपका ज्यादा आ रहा है, देखिए 10,000 और 6,000 16,000 और ये 8,000 10,000, तो 16,000 आपका गेन है और 10,000 आपका लॉस है, तो 16-10 यानी कि 6,000 आपका गेन हो गया। फिर और भी मान लो कि एडजस्टमेंट आपको दे रखा है रिजर्व्स का, क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व्स को भी हम बैलेंस शीट में रिजर्व्स दे रखा है और कह रहा है कि रिजर्व्स को भी मेंटेन करना है, इसे भी राइट ऑफ नहीं करना, तो उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि प्रॉफिट है, तो उसे भी ऐड कर देंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट इतना रुपए है, ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 4,000 है, उसे भी ऐड कर देंगे। मींस ये सारी चीजें भी हमें आगे लेकर के चलनी है, बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसे कह देगा ना कि रिजर्व्स टू बी रिटन ऑफ, क्लियर है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ, तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। और जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा कि रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है, तो हम उसे राइट ऑफ कर देना है, क्लियर है। क्वेश्चन ये साफ साफ बोलेगा कि रिजर्व्स को रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, और अगर रखना है तो क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा, अगर नहीं रखना है तो वो कह सकता है कि राइट ऑफ कर देंगे या कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर है। जब क्वेश्चन कुछ भी ना कहे कि रिजर्व्स का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये सब का क्या करना है, तो आपको उसको राइट ऑफ कर देना है, ठीक है, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसका नेट इफेक्ट हमने ले लिया।
ठीक है, सबको जोड़ करके 32,000 आ गया नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। क्लियर है, ये पॉजिटिव अमाउंट है तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड ये हो गया हमारा स्टेप वन। सबसे पहले निकालना कि नेट इफेक्ट क्या है, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड क्या है, नेट इफेक्ट ऑन डिवैल्यूएशन क्या है, तो ये निकल गया। सपोज ये एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ होता तो सिर्फ यहीं तक करते गेन ऑन रिवैल्यूएशन का, बस नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन यहीं तक आ जाता। लेकिन अगर एडजस्टमेंट का अमाउंट दे रखा है तो ये करेंगे, नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ देंगे यहीं पर, यहीं तक करके फिर आगे बढ़ जाएंगे स्टेप टू में। स्टेप टू क्या है, क्या कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ गेन। पहले भी हमने कई बार ये कर रखा है कि सैक्रिफाइस ऑफ गेन निकालेंगे। सैक्रिफाइस ऑफ गेन कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं पता कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो, तो इसमें किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है, हमें नहीं पता। तो इसलिए सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे, कुछ भी हो सकता है किसी का भी। तो इसमें फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला। तो पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो था क्या 5:3:2, तो 5:3:8 तो 5/10, 3/10, 2/10 ये ले लिया। न्यू रेशियो था 2:2:1 तो उसका हमने क्या करा 2/5, 2/5, 1/5 ठीक है, 2 2 4 1 5 होता है तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दिया तो ये पता चला कि पी का 1/10 पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि सैक्रिफाइस, क्यू का 1/10 आ रहा है यानी कि गेन, माइनस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो ये गेन हो गया। क्लियर है, तो मीन्स यहां से हमें पता चल गया कि क्यू इज द गेनिंग पार्टनर एंड पी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। इसमें अब क्या करना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है। मीन्स कि यहाँ पर जो अमाउंट आया है हमारा नेट इफेक्ट वाला 32,000, इसको ये जो अमाउंट आया है पी का क्यू का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा पी का 1/10 × 32,000 यानी कि 3200 और क्यू का 1/2 × 32,000 यानी कि 3200। क्लियर है, उसके बाद स्टेप फोर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर शुड बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड बी क्रेडिटेड। तो गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर देखिए क्यू था यहाँ पर तो क्यू का 3200 आया हमने डेबिट कर दिया, पी का 3200 आया हमने क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास, हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो ये सिचुएशन टू था जिसमें कि जब आपको क्वेश्चन कहेगा कि द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मींस जो नया वैल्यू है बैलेंस शीट से, मतलब बैलेंस शीट में पहले था 5 लाख बिल्डिंग, ठीक है, तो अभी भी हम 5 लाख बिल्डिंग ही दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के बाद भी, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस शीट है इस सिचुएशन में जिसमें कि हम असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में बैलेंस शीट जो पहले था एज इट इज वही दिखाई देगा, न्यू बैलेंस शीट भी, ठीक है, सिर्फ एक चेंज होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये देखिए ये एंट्री पास करा ना हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस यही चेंज होगा, इसके अलावा कोई एंट्री तो पास नहीं करा हमने, पूरे में सब में खाली कैलकुलेशन करा है, जर्नल एंट्री तो पास किया ही नहीं। तो जब जर्नल एंट्री पास ही नहीं करा तो और कहां कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे इस सिचुएशन में कि जब आपका वैल्यू चेंज हो नहीं हो रहा तो सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वही चेंज होगा, बाकी सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगे।